वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज सोनी लाइफस्टाइल और मैं हूं सोनिका। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं एक ऐसे प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूं जो हर लेडी सोचती है कि मेरे पास भी हो, मेरे घर में भी हो। और ये जो प्रोडक्ट है, इससे लेडीज को बहुत हेल्प होती है कामों में, घर की साफ सफाई में। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ वैक्यूम क्लीनर की। मैंने भी अमेजन से ऑर्डर किया है वैक्यूम क्लीनर। मैं इसे 2-3 बार यूज कर चुकी हूँ और आज मैंने सोचा कि इसका रिव्यू आपके साथ भी शेयर किया जाए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि मुझे क्या क्या रिसीव हुआ है और इसे कैसे यूज किया जाता है। गाइस, ये मेन पाइप दिया गया है और ये फ्लेक्सिबल पाइप है। इसको हम मेन यूनिट के साथ अटैच करेंगे। ये जो आप ब्रश देख रहे हैं, इससे हम कर्टन्स, शेल्फ, कैबिनेट साफ कर सकते हैं। ये फ्लोर क्लीनर अटैचमेंट दिया गया है। साथ में कारपेट क्लीनर अटैचमेंट भी दिया गया है। ये मेन यूनिट है और साथ में दिया गया एक्सटेंशन रॉड। और एक्सटेंशन रॉड के साथ जो आप छोटा सा नोजल देख रहे हैं, ये कॉर्नर्स साफ करने के यूज में आएगा। इसके साथ हमको एक बुकलेट भी मिलता है। इसकी हेल्प से हम वैक्यूम क्लीनर के जो भी पार्ट्स हैं, जो भी अटैचमेंट्स हैं, हम इजीली असेंबल कर सकते हैं। क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम हम वैक्यूम क्लीनर को देखते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है ये कौन सा पार्ट कहाँ पे अटैच करना है, कैसे यूज़ करना है, तो ये बुक जो है, इससे हमारी काफ़ी हेल्प हो जाती है। यहाँ से हम ऑन ऑफ करेंगे और यहाँ से पावर कॉर्ड को बाहर निकाला जा सकता है। और यहाँ पे हम जो फ्लेक्सिबल पाइप है उसको अटैच करेंगे। यहाँ से हम सक्शन पावर को कंट्रोल कर सकते हैं, इंक्रीज करना हो या डिक्रीज करना हो तो यहाँ से हम कर सकते हैं। ये जो ब्रश दिया गया है, ये इसी को अटैच है और इस ब्रश की हेल्प से हम जो जालीदार एरिया होता है, वहाँ पे बहुत सारी डस्ट बैठ जाती है, तो हम उसको साफ कर सकते हैं। पर अभी हमें ज़रूरत नहीं है इसकी, तो यहाँ पर अभी मैं एक्सटेंशन रॉड ही अटैच कर रही हूँ। अब एक्सटेंशन रॉड को फ्लोर क्लीनर अटैचमेंट के साथ अटैच कर देंगे। तो चलिए, अब क्लीनिंग के लिए सब रेडी हो गया, अब क्लीनिंग कर लेते हैं। गाइस, वैक्यूम क्लीनर का साउंड बहुत ज्यादा होता है, तो अगर आपके घर की घंटी बज रही हो या फ़ोन रिंग कर रहा हो तो आपको सुनाई नहीं देगा, तो इस वक्त आपको इस बात का भी ख्याल रखना होगा। गाइस, ये जो टर्बो ब्रश है, कारपेट क्लीनर है, तो इससे क्या होता है कि कारपेट पे जो भी कूड़ा रहता है, कुछ
गंदा सा कूड़ा रहता है जो कि झाड़ू से जल्दी से जाता नहीं है, तो ये जो टर्बो ब्रश है ये बहुत अच्छे से साफ़ कर लेता है। जैसे कि कुछ या तो बाल चिपके रहते हैं या धागे चिपके रहते हैं तो निकल नहीं पाते झाड़ू से जल्दी से, तो टर्बो ब्रश जो है ये बहुत अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, कारपेट बिल्कुल साफ दिखने लगता है। यहाँ से पावर ऑन ऑफ होता है और ये पावर कॉर्ड के लिए दिया गया है, इसको प्रेस करने से पावर कॉर्ड अंदर चली जाएगी ऑटोमेटिकली, देखिए। और ये जो बॉक्स दिया गया है यहाँ पे सारी डस्ट जो भी हमने साफ़ की है वो इकट्ठी हो गई है, और यहाँ से हम प्रेस करेंगे तो ये बॉक्स को निकालने में आसानी हो जाएगी, और जब आप वो प्रेस करेंगे तभी ये बॉक्स बाहर निकलेगा। तो ये देखिए जितना भी हमने साफ़ किया वो सब इसमें इकट्ठा हो गया है, और अब हमको ये साफ़ करने के बाद इसको हमको वॉश करना है, इसको वॉश करके इसको अच्छे से ड्राई करना चाहिए और उसी के बाद ये यूज़ करें। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। और फ्रेंड्स जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं मुझे फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को जिससे मेरा वीडियो तुरंत आप तक पहुंच सके। अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो कर दीजिए लाइक। और फ्रेंड्स करते हैं आज का वीडियो का दी एंड, इसी के साथ मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।